आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम तैयार करेंगे निशास्त, जिसको हम अचवानी भी बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी फूड है, सुबह के नाश्ते में इसको दिया जा सकता है। दिन भर ताजगी रहेगी, दिन भर एनर्जी रहेगी। जिनको मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हैं, जो दिमाग से कमजोर हैं, न्यू मदर्स हैं, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ये सबके लिए मुफीद है। आप एक बार बना के रख लेंगे, 3 से 4 दिन का नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। टाइम टू टाइम आपको उसको बस तैयार करना है, और इसमें कोई भी झंझट नहीं है। बहुत आसान रेसिपी है, हाई प्रोटीन, रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स है। ये सबको बहुत पसंद आने वाली है, हेल्दी है, उसके बावजूद ये डिलीशियस है। चलिए बना लेते हैं निशास्ता, जिसको हम अचवानी भी बोलते हैं। तो हमने कुछ ग्रोसरी आइटम्स खरीदे हैं बिग बाजार से, जिनको हम यूज करने वाले हैं। ऑर्डर करिए ऑनलाइन shop.bigbazaar.com पे और पाइए 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी। बहुत ही सस्ते और डिस्काउंटेड रेट्स में आपको ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर मिल जाएगा, और भी आपको मिल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि मखाने हैं, काजू हैं, और भी बाकी चीजें आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगी। नारियल है। अब इंडिया के हर दिन है सबसे सस्ते दिन, जैसे कि आपको घी मिल जाएगा ₹364 per liter, चना दाल आपको ₹59 kg मिल जाएगा, तूर दाल ₹89 kg। और भी आइटम्स हैं, जैसे कि टाटा टी पे बाय 2 get 1 फ्री ऑफर है। होम एसेंशियल्स आपको ₹99 के अंडर में मिल जाएंगे। ₹180 ऑफ है 6 kg टाइट पर, 60% ऑफ है बेड शीट पे, फ्लैट 50% ऑफ ऑन क्विल्स एंड ब्लैंकेट्स, बाय 1 get 1 ऑन मेंस, किड्स, लेडीज, फैशन एंड फुटवेयर। तो कुछ इसमें हमने चारों मगज डाल दिए हैं, यानी कि मेलन सीड्स, क्यूकम्बर सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, और ये हमने 1 tablespoon पॉपी सीड लिया, जिसको हम खसखस बोलते हैं। इसको धो के हमने छलनी में रख दिया था, तो ये भी हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हम तिल ले लेते हैं 1 tablespoon। थोड़ा सा हम लेंगे मिक्स सीड, जिसमें कि पम्पकिन सीड, सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड्स हैं, और फ्लैक्स सीड है। इन सब का मिक्स मैंने ले लिया है। एक बार इसको स्टर कर देते हैं, मिला देते हैं। हमें इसको भिगोना है, तो इसमें हम डाल रहे हैं गर्म पानी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पानी आप डाल दें। लेकिन हम इसको हमें जल्दी तैयार करना है, तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। कुछ 4-5 खजूर को टुकड़ों में करके या आप छुहारा डाल दें, और इसको भी हम भिगो देते हैं। 5-6 हमने ये व्हाइट पेपर लिए हैं होल साबुत, जो सफेद मिर्च है साबुत, वो लिया है, उसको भी हम भिगो देंगे। तो इसमें हमने ऐड किए हैं काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, सूखा नारियल, सफेद तिल है इसमें, खजूर है, चारों मगज लिए हैं। 2 घंटे बाद इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि इनकी कंडीशन क्या हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आपको दिखाते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अब ये पेस्ट हो गया है तैयार, भून लेते हैं। अब हम पैन में डालेंगे मुनासिब दामों पर खरीदा हुआ घी बिग बाजार से, जो कि आप भी जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं shop.bigbazaar.com पे। ये जो अचवानी हमने पीसी थी, ये इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको हम भूनेंगे घी में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसमें और घी डाल सकते हैं। इसमें जितना घी डालेंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनेंगे, बीच बीच में आप इसको चलाते रहेंगे। ये ऐसे भी आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने छुहारे डाले हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन हम इसको भून दे रहे हैं, तो इससे जायका और बढ़ जाएगा। तो बीच बीच में मैं इसको चला रही हूँ, और ये उछल भी रहा है, फदक रहा है, तो उसको लो फ्लेम पे करना होगा। लगातार हम चलाएंगे तो ये फुदकेगा नहीं, अदरवाइज हम जैसे ही छोड़ रहे हैं ये फुदक रहा है, तो छींटे पड़ रही हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा, और नीचे से चलाते हुए, अदरवाइज क्या होगा कि नीचे चिपकने लगेगा। अब आप देखें कि बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, घी भी रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं साइड से, और ये इसका खदकना भी पहले से कम हो गया है। और हम इस तरह से कर रहे हैं, देखिए बीच में, तो ये धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। 1-2 मिनट और भुनेंगे और बिल्कुल हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये बीच में जगह बना रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे नहीं चिपके। आप नॉनस्टिक पैन लीजिएगा। अब आप देखिए 2 मिनट बाद आप देखें कितना धीरे धीरे वापस आ रहा है, और ये हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दूसरी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं, जो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक बात मैं बता दूं कि आप इसको अब उठा के ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाएगा। जब भी आपको बनाना हो तो मैं आपको तरीका बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। हर एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जच्चा बच्चा हो, सबको ये दिया जा सकता है। दूसरा पैन मैंने रखा है, थोड़ा सा हम घी डालेंगे, मखानों को फ्राई करना है, यानी कि रोस्ट करना है। थोड़े से मखाने डाल देते हैं और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। चलाते हुए आपको इसको करना है, सारे मखाने घी में कोट हो जाए, आपको इतना घी लेना है। आप देखें कि लगातार चलाते हुए इनको मैंने भून लिया है, और अच्छा सा कलर आ गया, हल्का ब्राउन इसको हमें करना है, और छू के देख लेना है कि ये करारे हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से हो जाने चाहिए। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने अचवानी बनाई है उसको दूध में कैसे पकाना है। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने अचवानी का लिया है, हम 1 बंदे के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। बिल्कुल ये जो सर्विंग स्पून है, इसका मैंने 1 भर के लिया है। 1 से 2 चम्मच हम पानी डालेंगे,
सर्विंग स्पून का ही भर के। दो चम्मच मैंने पानी डाला है, इसको पहले चला लेते हैं। अब ये हल्का सा पतला हो गया, अब इसमें हम डालेंगे दूध एक कप, क्योंकि हम एक बंदे के लिए तैयार कर रहे हैं। बॉईल किया हुआ है, आपको बॉईल जो दूध डालना है इसमें, कच्चा दूध नहीं डालना है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। आप इसकी मिठास इस वक्त चेक कर लीजिएगा, जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिएगा। अच्छा खासा मीठा है वैसे, लेकिन अगर किसी को ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए। आप देखिए पक के फिर दोबारा से गाढ़ा हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। अब इसमें हम एक चम्मच चीनी डाल देते हैं और उसके पिघलने का इंतजार करते हैं चीनी के, और ये बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें मखाने कैसे यूज करने हैं। अगर आप चाहें आप इसको दोबारा से भगार सकते हैं, एक लौंग डाल के या एक इलायची डाल के इसका भगार कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप भगार के कर लें। थोड़ा सा एक चम्मच घी डालें, उसमें लौंग डालें, एक हरी इलायची डाल दें, दोनों में से कोई एक भी चीज डाल सकते हैं, और फिर इस तरह से तैयार कर लें अजवानी डाल के। क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने घी में भून दिया है, इसलिए अब हमें जरूरत नहीं थी फर्दर इसमें कुछ डालने की। तो हमारा अजवानी हो गई है तैयार। जब आपको सर्व करना हो तभी आप इसे मखाने डालें, अगर पहले से डाल देंगे तो बिल्कुल सौगी हो जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। और ऊपर से आप पिस्ता से गार्निश कर दें। बहुत बढ़िया सा हेल्दी आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप इसको सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इससे पूरे दिन भर एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, किसी काम में सुस्ती नहीं आएगी। इतनी भी अच्छी चीजें हैं वो सारी इसमें मौजूद है, नट्स एंड सीड्स के साथ ये बना है। तो बनाइएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। इस रेसिपी को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला अस्सर खान।